तब उस समय मेरे पास जो मेरी वाइफ के जो भी जो ज्वेलरी थी वो मैंने फिर सेल की, उनको मैंने बताया समझाया। और ये ज्वेलरी वाली बात आपके वाइफ के अलावा और किसी को पता है? नहीं नहीं किसी को नहीं पता, हमें दोनों को वीडियो तो लाइव हो रहा है तो आप पता हो जाए तो क्या, आप तो वैसी वैसी ज्वेलरियाँ तो एक दिन में टैक्स कितना बनता रहेगा आपका? टैक्स मैं एक अंदाजे से बता दूं कि लास्ट ईयर का टैक्स मैंने इतना पे किया है जो शायद लास्ट ईयर में कटरीना कैफ आलिया भट्ट ने पे किया, उतना इनकम टैक्स मैंने पे किया है। बाप रे, अब आप ये जाके सर्च करो उन्होंने कितना पे किया है। लास्ट मंथ का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाया था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर घनश्याम यादव सर। सर के बारे में बताएं तो सर देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और वहां से ये मुंबई आए और फिर मुंबई में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया और उसके बाद इन्होंने ट्रेडिंग की शुरुआत करी। और अगर बात करें आज ट्रेडिंग में ये दिन का करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में कि कैसे गाँव से आए मुंबई और फिर मुंबई में अपना ट्रेडिंग में कदम जमाया। तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे। नमस्कार सतीश जी, आपने अपने चैनल पे आने का हमें मौका दिया। एक चीज़ मैं सुधार दूं कि हर दिन करोड़ नहीं बनते हैं, महीने में दो चार दिन होते हैं कि करोड़ भी आ जाते हैं। लेकिन जो सर आपने प्रूफ दिखाया है उससे बहुत सारे लोगों के होश भी उड़ जाते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं, देखिए लाइफ में अगर आप छोटे से स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात है पहले दिन से तो करोड़ नहीं बनते मेरे भी ना। हमने भी स्टार्ट किया 25-50 क्वांटिटी से, 100-200 प्रॉफिट से, 300 कभी 500 फिर 1000। 2012 से मैंने स्टार्ट किया, ये दौर आते आते 10 साल लग गए। लोग ये 10 साल की पीछे की जर्नी छोड़ करके ये जो साल भर 2 साल या 3 साल चल रहा है इसको लोग इन्जॉय करते हैं कि नहीं इतना बन सकता है, लेकिन वो 10 साल पीछे का छोड़ दिया कि 7 साल मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है तो जाके आज वो रिजल्ट दिख रहा है। रिजल्ट आपको अच्छे तब मिलते हैं जब आपका पीछे का जो प्रोसेस होता है वो सही होता है। तो आप रिजल्ट के लिए जब तक काम करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक प्रोसेस बनाओ, किसी काम करने का एक प्रोसेस बनाओ, वो प्रोसेस अगर आपका सही चल रहा है तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो सर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, आप देवरिया जिले, जैसे देवरिया से मैं भी बिलोंग करता हूं, तो आप देवरिया से मुंबई आप कब आए और ट्रेडिंग में कैसे घुसे आप? देखिए मैं मुंबई तो आया जब मुंबई में सबसे बड़ा जब प्रलय आया था, मुंबई में बाढ़ आई थी उस समय आया था 26 जुलाई को बाढ़ आई थी और मैं आया था 22 जुलाई को यहाँ पे। तो 4 दिन के बाद ही वो संघर्ष स्टार्ट हो गया हमारा भी। जहाँ हम रहते थे, हमारा कजिन रहता था तो उसके साथ में जहाँ हम रहते थे वहाँ पर भी घर में पानी घुस गया था। 2 दिन तक हम लोग घर से बाहर ही रहे, खाना पीना दूसरे लोगों ने ला करके दिया। तो ये जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। तो आप पढ़ाई करने के लिए आते हैं? हाँ, तो उस समय मैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आया था। तो पढ़ाई करते करते देखिए हम लोग क्या है, लोअर फैमिली से हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं हमारे पास बहुत पैसे हैं हमारे घर वालों के पास में। तो जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया, मैं एडमिशन लिया, पढ़ने जाता था, उसके साथ में फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया और पार्ट टाइम जॉब भी मैंने वॉचमैन का स्टार्ट किया यानी सिक्योरिटी गार्ड का। तो वहाँ पर भी 2000 रुपये मिलते थे उस समय, 2000 आप 6-7 की बात करोगे तो 2000 रुपये वो देते थे, क्योंकि रात में वो कंपनी बंद रहती थी तो मैं वहाँ पर जॉब करता था और 2-3 लोग थे तो मुझे सपोर्टिव मिल जाता था, मुझे पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाता था और मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी 2000 की हो जाती थी वहाँ से। तो ये 2000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया, भले आज 2 करोड़ रुपये आपको दिख रहा है लेकिन स्टार्टिंग मेरी वो 2000 थे वहाँ पर। लेकिन सर एक बात बताइए, आप पढ़ाई कर रहे थे उसके साथ साथ में आप वॉचमैन की नौकरी कर रहे थे? हाँ, तो पढ़ाई दिन में करते थे, दिन के बाद हमारे पास रात में थोड़ा सा समय रहता था और वहाँ भी वो कंपनी बंद थी। सोते सर कितना नहीं, वहाँ पे 4-5 घंटे सोने को मिल जाता था ऑलरेडी, अच्छा। क्योंकि कंपनी बंद थी और 3-4 लोग थे तो एडजस्टमेंट वो हो जाता था थोड़ा। वो लोग सपोर्ट करते थे, अच्छे लोग थे जो साथ में थे, वो लोग बहुत अच्छे थे, भाई पढ़ने के साथ साथ में ये पार्ट टाइम कर रहा तो वो लोग भी थोड़ा सपोर्ट करते थे। तो ये मुंबई में आप पढ़ाई किस चीज़ की करने के लिए आए थे? हाँ, मैं आईटी प्रोफेशन से हूँ तो बीटेक की पढ़ाई करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। अच्छा, आप भी इंजीनियर हैं? जी हाँ। क्या बात है। तो ये ट्रेडिंग वाली जर्नी कैसे शुरू हुई आपको? आपने मतलब आपको उस वक्त आई थिंक 2006 में आए थे, तो उसके बाद आपने ट्रेडिंग की शुरुआत कब करी थी आपको पता? स्टार्टिंग हुआ 2008 में, जब एक बार 2008 की मंदी आई थी। लेकिन जब उसके पहले मैं बता दूं कि जब हम गांव में रहा करते थे तो स्टॉक्स मार्केट में सिर्फ हम 2 ही चीज़ पढ़ते थे, या तो ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे। अच्छा। मतलब बहुत बड़ी जब गिरावट आती थी तब वो न्यूज़ में आती थी, बाकी समय कभी भी न्यूज़ में नहीं आती थी स्टॉक मार्केट के बारे में। तो यहाँ जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे फ्रेंड थे तो फ्रेंड के साथ में, फ्रेंड के पिताजी थे तो वो ट्रेडिंग करते थे, तो कभी कभी मैं उनके घर पे जाया करता था तो देखता था वो कुछ करते रहते थे। और उस समय कंप्यूटर बहुत ऐसा नहीं था, कंप्यूटर लग्जरी चीज़ हो जा करती थी, सबके पास नहीं हुआ करता था कंप्यूटर। तो उनके घर में कंप्यूटर था और कंप्यूटर पर वो करते थे वहाँ पर। तो मैं देखता था कि क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी यार, मैं जितनी बार आता हूँ तुम्हारे पिताजी घर पे ही बैठे रहते हैं, ये जॉब वॉब नहीं करते हैं। तो बोलते नहीं मेरे पिताजी ट्रेडिंग करते हैं, एक इन्वेस्टर हैं, तो ये यहीं से हमारा काम धाम चलता रहता है। तो मैं बोला ट्रेडिंग करते हैं ठीक है पैसा, तो बोलते इसी से पैसा कमाते हैं, स्टॉक्स को खरीदना बेचना इसी से पैसा। तो वहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जागा वहाँ से।
तो मैं जब भी सैटरडे संडे टाइम मिलता था मैं उनके पास जाता था, उनसे चीज़ें थोड़ा समझता था, थोड़ा सा देखता था। सैटरडे को मार्केट बंद रहता था लेकिन उनके बारे में उनसे बात करता था, तो वो चीज़ें फिर मुझे वहाँ से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद करीब 2-3 साल ऐसे निकल गए। जब जॉब लगी उसके बाद से मैंने फिर ट्रेडिंग स्टार्ट की, एक अकाउंट ओपन किया। मुंबई में ही जॉब करते? हाँ, मुंबई में ही जॉब करते थे। तो उसके बाद फिर मैंने एक आईटी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद हमने वो ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो अब काम के साथ में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन शुरुआत में हमारा जो जॉब का जो टाइमिंग था वो 11 बजे था और उस समय मार्केट 10 बजे से ओपन होता था। आज मार्केट 9 बजे ओपन होता है, प्री ओपनिंग चलता है। उसमें प्री ओपनिंग नहीं होता था, डायरेक्ट हमला, डायरेक्ट स्टार्ट खरीदना स्टार्ट करो आप। तो वहाँ पे 10 बजे से स्टार्ट होता, तो वो एक घंटे का हमारे पास टाइम था, तो उसी एक घंटे में मैं ट्रेडिंग करता था। और ट्रेडिंग क्या करते थे, बस एक तरह से सट्टा करते थे कि आया सैलरी, आई सैलरी जो मिली 25-30 हज़ार, उसमें से 10-15 हज़ार यहाँ पे डाला, 7-8 दिन में वो पैसे जीरो हो गए। फिर से वो क्रम चलता ही रहता था। तो हम लोग चार दोस्त थे, तो हम लोग चारों साथ में बैठ के किया करते थे। और सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि हम चारों, जो एक खरीदेगा वही तीन और खरीदते थे, तो मतलब कोई रिसर्च नहीं होती थी। ऐसे आग बंद किया, जो मन किया वो अच्छा। खरीद लिया, जो मन किया वो बेच दिया, तो वो 7-8 दिन में पैसे खत्म हो जाते थे। फिर अगली सैलरी का इंतजार करते थे हम लोग, फिर सैलरी आती थी फिर डालते थे। तो ये क्रम 1.5 साल तक चलता रहा था। तो मतलब पैसे डूबने के बाद भी आप मानते नहीं थे? वो मान, आप भी नहीं मान सकते। एक बार आए तो एक आदत होती है, अगर इस आदत को देखिए सुधारना है तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप सीखते नहीं है तो जो एक बार पैसे चले जाते हैं ना, तो हम इस उम्मीद से आते हैं ना कि जो हमारे गए हैं वो उतने रिटर्न आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा, उतने रिटर्न आए तो मैं छोड़ दूंगा। अच्छा। उसके बाद कोई छोड़ता नहीं, पैसे डालते जाते हैं लोग, करते जाते हैं लोग। बहुत लोग इससे गलतियों से सीखते। देखिए जब आप गलतियाँ करते हैं, ये हमारी गलतियाँ थी कि हम उसमें पैसे डालते गए, वो पैसे खत्म होते गए, पैसे डालते गए खत्म होते गए। 1.5-2 साल तक ये क्रम चलता रहा। आप गलतियों से, गलतियों के बाद आप तीन चीज़ कर सकते हो, या तो उस गलतियों को मान लो, या उस गलतियों को सुधार कर लो, ठीक है, या उस गलतियों को, उस गलतियों पे सुधार करने के बाद उस पर कुछ आप एक्शन लो कि मतलब ये गलतियाँ क्यों हो रही है। ये तीन चीज़ें आप कर सकते हो। अगर ये तीन चीज़ें आप नहीं करते हो तो फिर लाइफ में किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं होते। गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए, गलतियों को हमेशा सुधारना चाहिए, गलतियों को हमेशा मान लेना चाहिए। तो मैंने 2 साल बाद वही चीज़ें की कि मैंने मान लिया कि भैया मैं अब ट्रेडिंग नहीं करूँगा। मैंने ट्रेडिंग वहाँ पे 6-8 महीने के लिए मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी। अपने फ्रेंड से बोला कि नहीं भैया हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे अब, मैंने ट्रेडिंग अब छोड़ दी। तो मैंने 3-4 महीने वो ट्रेडिंग छोड़ दी, लेकिन मन मानता नहीं है ना। मुझे लगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए, बहुत पैसा हो, क्योंकि उनके पिताजी को मैंने देखा था एक एक दिन के 5-5 हज़ार रुपये बनाते थे उस टाइम पे। तो 5 हज़ार आज लगता है कि यार 5 हज़ार तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है, लेकिन 5 हज़ार उस समय जब मैं देखता था एक दिन के 5 हज़ार रुपये, तो मेरे होश घर बैठे, हाँ 5 हज़ार रुपये ही कमा रहे, एक दिन के 5 हज़ार रुपये कमा रहे। तो मुझे वो इंटरेस्ट था, अंदर अंदर कहीं चीज़ें चलती थी। फिर 4-5 महीने बाद मैंने अपने फ्रेंडों को बताया नहीं, वो चीज़ें मैंने किसी को नहीं बताई। और वो मैंने धीरे धीरे घर पे करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैंने कुछ बुकें पढ़ी, कुछ क्योंकि उस समय इतना यूट्यूब का ज़माना नहीं था कि आपको वीडियो मिल जाए, तो बुक पढ़ी, कुछ बुकें हमने खरीदी। ज़्यादातर बुकें इंग्लिश में होती थी, तो हम यूपी से हैं तो इतने इंग्लिश में हाथ हमारे तंगी रहते थे, तो हिंदी में बुकें ढूंढ ढूंढ के लाते थे, कुछ उसको पढ़ते थे, फिर उसकी एनालिसिस करते थे, फिर उस पर कुछ काम करना स्टार्ट किया। बात बनी नहीं, फिर भी वो 6-8 महीने और ऐसे निकल गए। फिर मैंने एक बड़ी ट्रेडिंग जो कोचिंग करते थे वहाँ मैंने ज्वाइन किया, उसकी फीस 70,000 उस जमाने में थी। मुझे सर एक बात बताइए, लेकिन आपने जैसे बोला कि उस टाइम पे कंप्यूटर लग्जरी होता था, तो आप कैसे ट्रेड करते थे? नहीं, तो जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उस कंपनी ने एक लैपटॉप दिया हुआ था उस समय। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उस पर ट्रेड करते थे हम लोग, तो सबके पास थे वो। हाँ, तो एक चीज़ और आता है कि उस, जैसे अभी बहुत सारे ऐप आ गए, बहुत सारे ब्रोकर कंपनीज आ गई हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, तो उस वक्त क्या ऐप होता था? नहीं, किस पे आप करते थे? उस समय ऐप नहीं होते थे, उस समय जो फुल टाइम ब्रोकर होते थे वही रहते थे, शेर खान। तो मेरा इंडिया इन्फोलाइन तो अभी जितना फास्ट सिस्टम वर्क करता है वैसे ही था? नहीं नहीं, वो चीज़ें नहीं थी। उनके एक डैशबोर्ड वो लोग देते थे, चार्ट बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती थी। हाँ। बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी। अभी तो जीरोधा ने बहुत इंप्रूवमेंट कर दिया, आपको यूज़ टू यूजर फ्रेंडली बना दिया। अच्छा। उस समय उसको यूज़ करना भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। कई बार हम लोग ब्रोकर को कॉल करके ट्रेड लिया करते थे, ब्रोकर को हमने कॉल कर दिया कि भाई LNT के 500 शेयर बाइंग कर लो, ABCD स्टॉक के 200 शेयर सेल कर दो। तो ज़्यादातर ट्रेड अगर 100 ट्रेड हमने लिए हैं तो उसमें से 70 ट्रेड हम लोग कॉल करके लेते थे। हम लोग भले देखते रहे लेकिन कॉल करते थे ब्रोकर को, क्योंकि जब ब्रोकर उसको ट्रेड लेता था तो वो मार्जिन देता था, हम लेते थे तो वो मार्जिन हमें नहीं मिलता था। अब आजकल मार्जिन शायद 5 टाइम 2 टाइम मिलता है, उस समय 10 टाइम 30 टाइम 40 टाइम 80 टाइम। आपके पास 10 हज़ार है तो भी आप 10 लाख का माल उठा लेते थे, तो वो ब्रोकर को फोन करेंगे तभी मिलता था। आप जब खुद करोगे तो नहीं मिलता था वो, तो ब्रोकर को फोन करके तभी तो वो 15 हज़ार 7 दिन में खत्म होंगे ना। जब वो मार्जिन देगा तभी वो जल्दी खत्म हो जाते थे। तो 15 हज़ार में से 10,000-11,000 आपके निकल गए, तो 3-4 हज़ार से आप ट्रेडिंग नहीं करते थे। तो कब आपको कॉन्फिडेंस आया कि यार अब मैं ट्रेडिंग से पैसे बना सकता हूँ, या फिर आपका पहला प्रॉफिट कब आया था? नहीं, देखिए उसके बाद में जब हम लोग ये ट्रेड करते थे फ्रेंड, तो उसके बाद मैंने 6-8 महीने छोड़ने के बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया, तो फिर वही चीज़ें चलने लगी। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने रिसर्च किया कि मैं गलतियाँ कर क्या रहा। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना था
इंटरव्यू सुना हुआ था कि ट्रेडिंग से पैसा बनता नहीं है, या फिर बनता है तो इतना ज़्यादा बनता है कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। तो मैंने ये ढूंढना स्टार्ट किया कि आखिर हम गलतियाँ करते क्या हैं। अगर ज़्यादातर लोग यहाँ पे पैसे लॉस करते हैं तो जाहिर सी बात हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, और हम लॉस कर रहे हैं तो ये पैसा कोई ना कोई तो कमा रहा होगा, पैसा यहाँ तो रह नहीं रहा, पैसा किसी के पास तो जा रहा होगा। तो फिर मैंने उस पर रिसर्च करनी स्टार्ट की, धीरे धीरे चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, अपनी गलतियों को ढूंढना स्टार्ट किया, मैं कैसा ट्रेडर हूँ, क्या चीज़ें मुझे सूट करती हैं, क्या चीज़ें मुझे सूट नहीं करती हैं, क्या टाइमिंग मुझे सूट करता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस किया, ये सब सारी चीज़ें मैंने निकालना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगा। तो पहली बार सक्सेसफुल नहीं, पहली बार क्या हुआ था, मैंने मेरा गोल ये था कि मुझे लॉस नहीं करना है, अभी प्रॉफिट तो दूर की बात है, मुझे लॉस नहीं करना है। जो हर महीने मैं 15,000 रुपये 20,000 रुपये डालता हूँ, ये पैसे खत्म हो जाते हैं, इसको मुझे लॉस नहीं करना है, मुझे ये पैसे बचाना है। तो मैंने 15,000 की जगह मैंने 5,000 डालना स्टार्ट किया। अब मैंने 15,000 को छोड़ दिया और 5,000, पहले व्यू हमारा क्या था, जब हम 15,000 डालते थे ना तो हमारा व्यू ये था कि मैं यहाँ पे कमाऊंगा। जब 5,000 हमने डालना स्टार्ट किया तो मेरा व्यू ये हो गया कि अब मैं यहाँ पे सीखूंगा, ठीक है ना। तो मैं सीखना वहाँ से स्टार्ट किया, वो सीखने में मुझे साल डेढ़ साल की जर्नी लगी, तब मुझे लगा कि हाँ अब मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, कम से कम वो लॉसेस मेरे बंद हो गए। उसके बाद मैंने धीरे धीरे, भले वो मंथ एंड ऑफ द मंथ, पहली बार मेरा एंड ऑफ द मंथ 1,000 का प्रॉफिट हुआ तो बहुत खुश हुआ था। अच्छा। जितना आज 1 करोड़ हो जाता उतना खुश नहीं था जितना वो एक महीने में मेरा 1,000 का प्रॉफिट, क्योंकि मैंने अपनी कैपिटल बचाई प्लस 1,000 रुपये मैंने कमाया था, तो वो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस समय। तो अगर बात करें, आपने जब शुरुआत करी थी तो आपका कैपिटल कितना था, कितने कैपिटल से आपने शुरू किया था? नहीं देखिए, जब हमने बीच में जब ट्रेडिंग हमने छोड़ दी थी तो उस ट्रेडिंग के दौरान जो हम पैसे 15,000 डालते थे वो पैसे हमारे पास बचे रहे, सेफ बचे रहे। तो हमने फिर जब सारी चीज़ें सीखने, 5,000 रुपये मैंने डाला, उससे मैंने 1 साल 1.5 साल तक प्रैक्टिस की, उसके बाद मैंने 50,000 रुपये डाले और उस 50,000 रुपये से मैंने ट्रेडिंग करना वहाँ से स्टार्ट किया। वही 50,000 रुपये से मैं आगे लेके धीरे धीरे 50 को 55, 56, 58, 60 बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे मैं लेके गया उसको। बराबर। देखा जाए तो सर, जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या फिर हिस्ट्री देखें, या फिर ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि लोगों का पैसा डूब जाता है, मतलब 99% लोग पैसे गंवा देते हैं ट्रेडिंग में, पैसा बनता है सिर्फ 1% लोगों का। तो आप अपने आप को उन 1% लोगों में आपने कैसे, आप अपने आप को लाए, या फिर जो लोगों का ये मानना है कि 99% लोग पैसे डूब उनके पैसे डूब जाते हैं, तो कैसे वो 1% में आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी गलतियाँ माननी पड़ेंगी, आप क्या गलतियाँ करने हैं वो गलतियाँ आपको ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। देखिए, जब तक आपको अपनी गलतियाँ नहीं मालूम है ना, तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हो, और गलतियाँ जानने के लिए आपको लिखना पड़ता है। जब हम ट्रेडिंग बिना लिखे हम ट्रेड करते थे ना तो हमें समझ में नहीं आता था कि हम गलती कर क्या रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने लिख के ट्रेड करना स्टार्ट किया कि आज मैंने क्या ट्रेड किया, क्यों ट्रेड किया, कब ट्रेड किया। उससे क्या होता था, मुझे गलतियाँ दिखती थी। होता क्या है ना, आप एक ही गलती 100 बार कर दो लेकिन आपने उसको देखा नहीं ना तो आपको वो फील नहीं होगा, लेकिन एक ही गलती आप बुक पे लिख रहे हो ना कि आज भी मैंने यही गलती की, मैंने 1,000 रुपये कमाया, सुबह 1,000 रुपये कमा लिया और शाम तक मैंने 500 रुपये का लॉस कर लिया, फिर मैंने 1,000 रुपये कमाया, शाम तक मुझे 500 का लॉस कर लिया, अगले दिन शायद हमने 500 कमाया, फिर वापस हमने शाम तक 1,000 का लॉस कर लिया। तो कमाने के बाद हम लॉस करते हैं, तो हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेगी कि हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं। जब आप अपनी गलतियों में सुधार करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप गलतियों को लिखो, उसको सुधार करो, फिर आपका प्रोसेस जो है, जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। जब तक आप अपनी गलतियों को लिख नहीं रहे हो, सुधार नहीं कर रहे हो, तब तक आप लर्निंग कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ आप कमाने के लिए आए हो। और जब तक स्टॉक्स मार्केट में आप कमाने के लिए आए हो तब तक आप सीख नहीं पाओगे, और सीखने वाला कमाएगा नहीं। दो चीज़ें ध्यान रखनी है। लोग यहाँ पे बोलते हैं सीखने के साथ साथ मैं कमाऊंगा, आप वो भी नहीं कर सकते। आपको सीखना है तो 1.5 साल 2 साल का वो टाइम देना पड़ेगा, वो कूलिंग पीरियड जिसको हम बोलेंगे, कि बिल्कुल उस पीरियड में आपको ये नहीं सोचना कि प्रॉफिट लॉस हो रहा है। एक छोटे से कैपिटल से आप आओ, छोटी कैपिटल लेके आओ, छोटी कैपिटल से आप सीखो, और वो छोटी कैपिटल धीरे धीरे भी ग्रो हो रही तो आप सीख रहे हो। ये छोटा कैपिटल कितना होना चाहिए? छोटा कैपिटल आपको इस समय देखिए 50,000 रुपये से कम में लेके मत आओ, 50,000 रुपये लेके आओ, इक्विटी से स्टार्ट करो। भले आप एंड ऑफ डे 200 रुपये के प्रॉफिट में होना, खुश पूर्वक को प्रॉफिट को लेके जाना सीखो पहले। हम प्रॉफिट को लेके नहीं जाते हैं, जो ट्रेडर है ना, आपको ये बिलीव नहीं होगा, ट्रेडर लॉस से नहीं डरता है। जो इंडियन ट्रेडर है वो लॉस से कभी नहीं डरता, वो प्रॉफिट से डरता है। प्रॉफिट वो 200 रुपये का होगा भाग जाएगा, लेकिन लॉस वो 2,000 रुपये पे खड़ा रहेगा, बिल्कुल सुकून से खड़ा रहेगा, उसे डर नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉफिट अगर 200 होगा उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो डरने लगता है प्रॉफिट से। तो हमारे अंदर दिक्कत क्यों है, हम प्रॉफिट से डरते हैं, और इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमने चीज़ें लिखी नहीं है। अगर आप चीज़ें लिख के ट्रेड करोगे तो आपकी दिशा में चलनी स्टार्ट हो। बराबर। तो जैसे सर, आपके जो आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो सब्सक्राइबर है, या फिर आपको जो जानने वाले हैं, उनको तो पता ही है कि आप कभी कभी आप महीने के एक दो दिन या फिर काफ़ी टाइम आप करोड़ में प्रॉफिट करते हो, लोगों को पता है। बट आपने इस स्टेज पे आने के लिए आपने काफ़ी मेहनत करी है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके इस जर्नी में, लाइक करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाने तक के जर्नी में, कि कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो वो सबसे बुरा वक्त क्या था,
इसके दौरान? सबसे बुरा वक्त ये था सतीश जी कि मैंने जब जॉब छोड़ी थी, देखिए जब मैं ट्रेडिंग में लगभग 6-8 महीने बिल्कुल अच्छे थे, मैं प्रॉफिट कर ले रहा था, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। अच्छा। जॉब छोड़ने के बाद मुझे ये लगा कि शुरुआत में क्या था कि मैंने जब जॉब छोड़ी थी उसके पहले मैं क्या करता था, जो जॉब वाला टाइम था 10 से 11 वाला, उसी टाइम में मैं ट्रेडिंग करता था क्योंकि हमारे पास वही टाइमिंग होता था। अब इसके जॉब छोड़ने के बाद में क्या होता, सारे दिन मैंने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट की। और जब मैंने जॉब छोड़ा ना, तो ये मैंने किसी को बताया नहीं घर पर। अच्छा। तो मैं एक पार्क है उस पार्क में जाके बैठ के मैं वहाँ पर ट्रेडिंग करता था। तो वो जो दौर था ना, जो मैं घर वालों को बताया नहीं था, और जो मैंने पहले एक घंटा ट्रेडिंग करता था, सारे दिन ट्रेड करना स्टार्ट किया, पिछले 6 महीने में मैं प्रॉफिट में था। मैं अपनी सैलरी का आधा वहाँ से निकाल ले रहा था, जिससे मुझे लग रहा था कि मैं घर के खर्चे चला लूँगा, बाकी चला। लेकिन जब मैंने वो जॉब छोड़ा और फुल टाइम में ट्रेड करने लगा, तो वो कंटिन्यू 3 महीने मैंने लॉस लिए। अच्छा। और वो लॉस मैंने लिए जो मैंने कैपिटल जमा की थी अपनी ट्रेडिंग करने के लिए, वो लॉस मैंने ले लिए पूरे, क्योंकि मैं सारा दिन बैठ के ट्रेड करता था। और सारे दिन ट्रेड करने में रिजल्ट इसका ये निकला कि सुबह के तो मेरे ट्रेड अच्छे होते थे, लेकिन सारा दिन के दौरान मैं ओवर ट्रेडिंग कर देता था, प्रॉफिट वाले पैसे को लॉस में कन्वर्ट कर लेता था, आज ही मैं बड़ा प्रॉफिट बना के जाऊं, ये सब चीज़ें करके मैं 3 महीने तक फिर से कंटिन्यू लॉस में हो गया। तो उसमें मेरे पास पैसे बचे नहीं थे। तो ये एक दौर सबसे ख़राब था। जब पैसे मेरे पास नहीं बचे, तब मैंने ये चीज़ें अपनी वाइफ को बताई कि मैंने जॉब, शादी हो गई थी, शादी मेरी आपको बिलीव नहीं होगा, शादी मेरी 15-16 साल हो गए हमारे यहाँ पे यूपी में, या हम जहाँ पे पूर्वोत्तर से हम लोग, पढ़ाई के बाद हुआ था कि पढ़ाई से पहले हो गई थी, मतलब कॉलेज के टाइम पे। हाँ, हमारे यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे शादियाँ, आपको पता है आप उसी जगह से हो, तो हमारे यहाँ शादियाँ 16-17 होता है। मैं अपने माता पिता का अकेला था, मेरी एक बहन थी, तो लगता था कि जल्दी से शादी कर ले, बहू आ जाए, घर पे खर्च चलेंगे, ये चलेंगे, मतलब घर के सारी चीज़ें वो लोग करेंगे। तो शादी मेरी बहुत पहले हो गई, और शादी के बाद ये सब सारी जर्नी स्टार्ट हुई, पढ़ाई वढ़ाई शादी के बाद, ये ट्रेडिंग वेडिंग सब कुछ शादी के बाद। तो जब वो 3 महीने मैंने जब लॉस कर लिए, तो मेरे पास कैपिटल नहीं बची ट्रेड करने के लिए। तब उस समय मेरे पास जो मेरे वाइफ के जो भी जो ज्वेलरी थी, वो मैंने फिर सेल की, उनको मैंने बताया, समझाया, सपोर्ट किया। उन्होंने सबसे बड़ा सपोर्ट उन्हीं लोग का है, जैसे कि वाइफ ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया वहाँ किया। शायद वो उस समय अगर नहीं देती, तो मैं शायद फिर से मुझे जॉब अपनी पकड़नी पड़ती, कहीं पे मैं जॉब ढूंढता, फिर से वो जॉब मतलब करना स्टार्ट करता। आखिरी था कि अब ये मैं ज्वेलरीज बेच रहा हूँ, हाँ ये मेरा आखिरी है, अगर इसके बाद मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं वापस जॉब करूँगा और ट्रेडिंग के बारे में कभी जीवन में सोचूंगा भी नहीं, फिर ट्रेडिंग मेरे लिए भी एक जुआ ही हो जाता है वो ट्रेडिंग। तो आपने अपनी वाइफ को क्या समझाया था? मतलब यही समझाया कि एक लास्ट चांस ले रहे हैं, कि एक बार देखते हैं। लास्ट चांस तो नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ इस पीछे में, बहुत अच्छा मैंने किया भी पिछले 6 महीने में, इस 3 महीने में शायद मैंने, फिर मैंने उस 3 महीने का एनालिसिस किया, तो मेरे लॉसेस इसलिए थे क्योंकि मैं सारे दिन ट्रेड करता था। तब मुझे समझ में आया कि मैंने गलती ये की कि मैं सारे महीने ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने पूरे दिन 3:30 बजे तक कुछ ना कुछ मैं ढूंढता रहता था, और अगर ट्रेडर कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा ना, तो उसे मिलता रहेगा ट्रेड करने के लिए। फिर मैंने वो लास्ट ज्वेलरी बेची जो कि लगभग मेरे ख्याल से 2,20,000 की हुई थी उस समय, और वो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की फिर से। फिर मैंने सारी चीज़ें मेरी पटरी पर चलने लगी, जो मैंने गलतियाँ की वो गलतियाँ मैंने दोबारा नहीं की, और मुझे ये मालूम था कि एक गलती वापस मुझे यहाँ से साफ कर देगी। वो दौर ऐसा था कि वो दौर जीने का भी मन नहीं करता था, वो बहुत कठिनाई वाला दौर था। लास्ट में जब वो 3 महीने लॉसेस में निकल गए कंटिन्यू, तो फ्रेंड से लास्ट में मतलब 100-200 रुपये भी मांग के चीज़ें करनी पड़ती थी कि भाई मेरे घर पर ये चीज़ नहीं है, तो मुझे ये तो नहीं बता सकता उनको, लेकिन मैंने भाई 200 रुपये दे दे, 500 रुपये दे दे, तो वो लेके भी मैं वहाँ पे करता था। और उसके साथ साथ में ना, जब मैं जॉब करता था ना, तो आप नवी मुंबई में जो बोर्ड देखते हैं ना, गेट के ऊपर बोर्ड लगे रहते हैं, नो पार्किंग, बोर्ड लगे रहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो पोल होते हैं उस पर कुछ बोर्ड बड़े बड़े लगे रहते थे, तो मैं वो बोर्ड भी लगा रहा करता था पार्ट टाइम में, मैं वो बोर्ड भी लगाता था। उस बोर्ड के मैंने 2 रुपये मिलते थे, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता था उसके एक बोर्ड लगाने का, हाँ, और जो नो पार्किंग वाले गेट पे लगाते थे वो एक बोर्ड के 2 रुपये मिलते थे, और जो बड़े बैनर होते थे उसके लिए एक बैनर के 5 रुपये मिलते थे। तो मैंने वो भी चीज़ें की हुई हैं इस मार्केट में। देखिए, काम करने में मुझे शर्म नहीं था, कि कोई भी काम कर रहा हूँ मैं, काम करने में मुझे शर्म नहीं था, बसरते ये था जीवन में कि कुछ करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। और ये घर वालों को पता था कि आप नहीं, ये चीज़ नहीं पता था कि ये मैं ये कर रहा हूँ, कि ये बोर्ड पे भी जाके सुबह सुबह लगा देता हूँ, जैसे 11 बजे से जॉब है, 9 बजे से ट्रेडिंग हो रही, तो 7 और 9 के बीच का जो टाइम था वो मैं चीज़ें यूज़ कर लेता था वो टाइम जाके। तो वो चीज़ें किसी को नहीं पता है, वो चीज़ें सिर्फ मेरी वाइफ को बाद में पता चली, जब सारी चीज़ें होने के बाद मैंने वो चीज़ें बताई, मैंने किसी को नहीं बताए थे, मैं खुद करता था। और जब आपने ज्वेलरीज बेची तो आपके पास बैकअप में कुछ नहीं था? नहीं, उसके बाद बैकअप में कुछ नहीं था, बैकअप में यही था कि जिस दिन ये खत्म हो गया, मतलब फिर से आपको कहीं पे जॉब या बिस्तर लपेटो, बुरिया बिस्तर लपेटो, या फिर से जॉब ढूंढो, जॉब में स्टार्ट कर दो, अब जॉब करनी थी बस, उसके बाद कुछ नहीं था, मतलब कहानी खत्म थी एक तरह से। और ये ज्वेलरी वाली बात आपके वाइफ के अलावा और किसी को पता है? नहीं, किसी को नहीं पता, हम तो वीडियो तो लाइव हो रहा है, तो अब पता हो जाए तो क्या, आप तो वैसी ज्वेलरियां तो एक दिन में कितनी लोग कहेंगे ससुरा बेच दिया, ज्वेलरी बेच दिया, ये तो होगा एक भाई, गांव में लोग बोलेंगे सारा बड़ा पागल रहा है, बहुत हरामी रहा है। हमारे गांव में भोजपुरी में इसी तरह से लोग बोलेंगे बड़ा हरामी रहा, बेच दिया, सब गाना होना,
तो पूरा बर्बाद हो गई लाइफ। क्या बात है, मजा आ गया सर। मतलब एकदम दिल से जो बातें आप बोल रहे हैं एकदम दिल से आ रही है, और आई थिंक ये लोगों तक पहुंच रहा होगा। और मैं आप लोगों से बोलूंगा कि यार प्लीज़ लाइक करो। और सर बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, और मैं तो दंग रह गया कि सर इतने मिलियनेयर होने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ कैसे हैं। सर ये रीज़न बताइए, इतने सादगी का क्या रीज़न है? सादगी का बताता हूँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो संघर्ष है ना, संघर्षों से ही आपके अच्छे वक्त के हथियार निकल के आते हैं। तो संघर्ष से डरिए मत, संघर्ष करते रहिए, ये नेचर है यानी कुदरत है। भगवान यहाँ पे आप जो समय दे रहे हो ना, उसका रिवार्ड आपको मिलने वाला है। जिस फील्ड में आप कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप बुराई कर रहे हो किसी की, तो आपको बुराइयाँ वापस लौट के आपके पास आएंगी। आप अच्छे काम कर रहे हो, रिजल्ट आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको मिलने ही मिलना, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सफलता पूरा चूस लेगी, यानी आपके बिल्कुल अंतिम दौर में आप चले जाओगे तभी आप सफलता आपको मिलेगी, उसके पहले आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। जहाँ तक सिंपलिसिटी की बात है, तो मैंने मार्क जुकरबर्ग को आपने देखा होगा, एक ही टी शर्ट और एक ही पैंट में वो सारे दिन हमेशा दिखते रहते हैं। अब मुकेश अंबानी साहब को देखा होगा आईपीएल के मैच के दौरान, कभी अगर आते होंगे देखते होंगे, एक शर्ट उन्होंने पहन लिया, नीचे पैंट पहन लिया, हवाई चप्पल भी पहन के घूमते रहते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों से मुझे भी सिंपलिसिटी क्या चीज़ दिखाया, बताइए आपको क्या दिखावा करना है। जो आप हैं, हम लोग खेती बाड़ी करने वाले इंसान, किसान इंसान, गाँव में जाता हूँ अभी भी खेतों में लौटते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, खेतों में काम कर देता हूँ जाके, तो इसका मतलब ये नहीं है। जहाँ से आप जुड़े हैं, जिस जगह से आप आए हैं, उसकी रिस्पेक्ट तो आपको करनी पड़ेगी ना। पैसा आज है, कल शायद फिर ना रहे, कल परसों फिर आ जाएगा, ये तो जैसे हैं वैसे ही दिखना रहा। मुझे वो अच्छा लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसे ही दिखता हूँ। मैं बताऊँ गाइस कि मैं जब से सर से मैं मिला हूँ, मतलब मैं चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ कि जिनसे मैं मिल रहा हूँ वो किस तरह के इंसान है, या फिर ये ऐसे कैसे हैं, लाइक इतना पैसा आने के बाद भी लाइक इतने सिंपल तरीके से कैसे हैं। तो फाइनली आपने जो जवाब दिया काफ़ी इम्प्रेसिव था वो। मेरा सर एक और क्वेश्चन ये आता है कि आप जैसे प्रूफ शो कर देते हो कि आज मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, आज मैंने 2 करोड़ का प्रॉफिट किया, इवन आपने दिखाया था जो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट था 2 करोड़ कुछ 64 लाख के आसपास का है ना, 2 करोड़ 65 लाख। तो आपने इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट आप पूरा शो कर देते हो अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम पर, बट उसमें कई लोगों का रिएक्शन ये भी आता है कि ये आप फेक दिखा रहे हो, फेक रिपोर्ट है और ये एडिट किया हुआ है, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली चीज़ तो फेक है या एडिट है, इसका रीज़न होना चाहिए। मेरे पास क्या रीज़न है फेक दिखा के मैं आपसे क्या हासिल कर लूँगा? आप ना तो मेरा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ना मेरा कोई ज्वाइन बटन है यूट्यूब पे, ना कोई मेरा पेड कोर्सेस है, ना मेरे किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मैं सिर्फ ये इसलिए दिखाता हूँ लोगों को कि लोगों को लगे कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन उसके साथ में आपको डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करनी पड़ती है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सब चीज़ों को समझना पड़ता है। पैसा ट्रेडिंग में बहुत है, यहाँ पे 99% ट्रेडर पैसा लूज़ करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन आप ये समझो कि जो 1% ट्रेडर पैसा बनाते हैं वो कितना बड़ा पैसा बनाते होंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके दिमाग में वो उतने जीरो चलेंगे ही नहीं जितना जीरो आप यहाँ पे कमा के बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा वो 2.65 का है वो मैं आपको रियल में दिखा देता हूँ, आप मेरा पीएनएल देख लो, तो उसके बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो दोस्तों सर खुलासा करने वाले हैं अपने, जो इनका हाईएस्ट प्रॉफिट है जो उन्होंने शो करके रखा है पब्लिकली, बाकी इनका हाईएस्ट प्रॉफिट तो अलग ही है जो पब्लिकली नहीं बता रहे, बट सर अपना पीएनएल दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि गाइस लाइक हो जाए, लाइक में बिल्कुल कंजूसी मत करना क्योंकि सर पूरा खुलेआम दिखा रहे हैं। मैं आपको वो हाईएस्ट प्रॉफिट भी दिखा देता हूं और लास्ट मंथ का टोटल प्रॉफिट हाईएस्ट भी दिखाएंगे आप? नहीं, हाईएस्ट वो नहीं, जो हाईएस्ट यूट्यूब पे पब्लिकली मैंने डाला हुआ वो दिखाने वाला हूं। मैं लास्ट मंथ का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा देता हूं कि लास्ट मंथ में मैंने 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, वो मैं आपको शो कर देता हूं। 5-10 लाख तो नहीं होगा मुझे जहां तक पता है। तो गाइस लाइक हो जाए सर प्लीज। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए मैं पहले यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है यहाँ पे, एक बार सर मैं चाहूंगा रिफ्रेश कर दीजिए, मैं टोटल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 17 मार्च का है जी, 17 मार्च का, यहाँ से मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ, जब इसको हम क्लिक करते हैं ना तो फिर हमारा ये रिफ्रेश हो गया, ये रिफ्रेश हो गया, या इसके एक दिन आगे का भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जिससे आपको 17 और 18 दो दिन का भी ऐड होकर यहाँ से आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पे ये रिफ्रेश हो रहा, अब यहाँ पे 2.65 था, 2.6 शायद उस दिन यहाँ पे छुट्टी थी, तो इस दिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो मैं अगले दिन का एक दिन मंडे का ऐड कर देता हूँ, जिससे आपके देखने वाले लोगों को लगे कि हाँ वाकई अब मैंने मंडे का यहाँ पे ऐड कर लिया, मंडे को ये लॉस दिख रहा है। तो वहाँ पे मंडे को हमारा लॉस हुआ है 60 लाख का, ऐसा 40 लाख का, तो हमारा प्रॉफिट कितना 2.24 बचा यहाँ पे, राइट। हाँ, जो बड़ा प्रॉफिट हमारा 2.65 का था, यहाँ पे यहाँ से इसमें लॉस में से ये कम हो गया। भाई साहब मतलब एक दिन में 2.6 यार सर। अब मैं आपको लास्ट मंथ का पीएनएल दिखा देता हूँ कि लास्ट मंथ में मैंने जो भी 5-10 हज़ार जो भी कमाया, लास्ट मंथ बोले तो अभी ये वीडियो शूट हो रहा है अगस्त में, हाँ तो जुलाई का मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये हम जुलाई में चलते हैं यहाँ से,
जुलाई 2000। दोस्तों ऐसा किसी भी चैनल पे नहीं हुआ होगा, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि लाइक कर दो गाइस। आप लोग प्लीज लाइक में कंजूसी नहीं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, और घंटा भी दबा लो। हाँ यहाँ पे मैं ये देखिए, मैंने पूरे मंथ का सेलेक्ट कर लिया है, सॉरी अप्रैल जुलाई का ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का। बराबर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सारा ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का इक्विटी में होल्डिंग करता हूँ, पोर्टफोलियो का तो ये सिर्फ आप जो FNO करते हैं, FNO करता हूँ, जो उसमें भी बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडर हूँ तो ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन बायर हूँ मैं उसमें। तो यहाँ पे ये टोटल जुलाई मंथ का आ चुका जो कि 3.5 CR का प्रॉफिट है, 3.5 CR का प्रॉफिट है जुलाई मंथ, जुलाई मंथ का है ये, एक मंथ का प्रॉफिट है जुलाई मंथ का। और इधर 43 लाख दिख रहा है, क्या है सर ये 43 लाख चार्जेस है, ये गवर्नमेंट को चार्जेस गवर्नमेंट को जाते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पे ब्रोकरेज गया 2.265 लाख का, 24 लाख यहाँ पे हमने एक्सचेंज को चार्जेस दिए, सेबी का टर्नओवर फीस यहाँ पे लगभग 4,45,000 का यहाँ पे दिया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे मैंने 11 लाख का यहाँ पे किया है, GST सबसे ज़्यादा एक्सचेंज को जाता है, सबसे ज़्यादा एक्सचेंज को जाता है, ऑप्शन में हम ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा एक्सचेंज को पैसा जाता है ये। ओके तो यहाँ पे लगभग 24 लाख गया है, एक मंथ का है ये, अगर ये पूरे ईयर का देखेंगे तो ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है जो मैं गवर्नमेंट को पे कर देता हूं। तो गवर्नमेंट से आपको कुछ फायदा होता है? इससे फायदा क्या होगा, जो हम गवर्नमेंट से फायदा ये होगा कि पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो गवर्नमेंट बोल रही है थोड़ा VIP आपको सुविधा मिलना चाहिए। नहीं नहीं गवर्नमेंट बस ये करती है लीगल आप ट्रेड करो इसमें, बस हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गवर्नमेंट ने, भाई आप चीजें ले, गवर्नमेंट सुविधा आपको ये दे रहा है, बस ये सबको आपको भी दे रहा है, आप 2 रुपए लगाता है उनको भी दे रहा है, 10 रुपए ट्रेड करेंगे उनको भी दे रहा है। एक चीज एक क्वेश्चन आता है सर, ये जो ग्रीन दिख रहा है आपके प्रॉफिट्स हैं और ये रेड दिख रहे हैं ये लॉस है, लॉस है। मतलब सिर्फ 3 दिन आपके लॉसेज में पूरे मंथ में? हाँ ये पूरे मंथ तो जुलाई मंथ में 3 दिन क्या होता है यूजुअली आपके क्या रहते हैं, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ दिखाओ आप, बट आप बता सकते हैं यूजुअली आपके लॉसेज कितने रहते हैं हर महीने? तीन चार लॉसेज मतलब ये मान के चलो कि 4 से ज़्यादा लॉसेज नहीं होते हैं। ओके लगभग पिछले 1.5 साल का रिकॉर्ड है, 4 से ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत मंथ ऐसे हैं जहाँ पे लॉसेज ही नहीं होंगे, शायद नेक्स्ट मंथ में लॉसेज हो। तो सर अभी जैसे आपने वो चार्जेस दिए उसके बाद ये जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है हाँ, इस पे भी आपको टैक्सेस देने हाँ, पड़ते होंगे? इस पे टैक्स देने पड़ेंगे मुझे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इसमें लगता है 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो ये तो सीए को 20% होता है, जो भी लगेगा वो यहाँ से देना पड़ेगा मुझे। ओके भाई साहब, तो टैक्स कितना बनता रहेगा आपका? टैक्स मैं एक अंदाजे से बता दूं कि लास्ट ईयर का टैक्स मैंने इतना पे किया है, जो शायद लास्ट ईयर में कटरीना कैफ आलिया भट्ट ने पे किया उतना इनकम टैक्स मैंने पे किया है। अब आप ये जाके सर्च करो उन्होंने कितना पे किया है। क्या बात है अमेजिंग, मतलब सर आपका तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्री में भी आप काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो इसके लिए सर आपको सलूट है। और दोस्तों यार सर के लिए अगर आप कुछ कमेंट में लिखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो, और सर का भी जाना चेकआउट करना, सर ट्रेडिंग के बारे में चीज़ें शेयर करते रहते हैं अपने चैनल पर। और मैं चाहूँगा कि गाइस अगर आप चाहते हो कि सर हमारे चैनल पर बिगिनर्स के लिए ट्रेडिंग के बारे में पूरा A to Z सीरीज लेके आए मेरे चैनल पे, तो कमेंट करके बताओ, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर काफ़ी लोग चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग सिखाओ हमारे सब्सक्राइबर्स को, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा और सर के साथ एक और वीडियो शूट करूंगा। क्या बात है सर, मतलब मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, मतलब इतने पैसे भी कमाए जा सकते हैं मैं देख पा रहा हूं। मतलब लोग ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जो वेल्थ बनता है मतलब करोड्स में वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बन सकता है, बट जिस तरीके से आप मतलब आपने जो अभी प्रॉफिट दिखाया, आपने जो अपना PNL दिखाया, तो मतलब खतरनाक है सर। देखिए प्रॉफिट में कैपिटल वेल्थ से बनेगी, इन्वेस्टमेंट से बनेगी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसा लाओगे कहाँ से? पैसा कहीं ना कहीं से तो कमाना पड़ेगा ना, तो पहले ट्रेडिंग से थोड़ा थोड़ा करके सभी लोगों ने पैसा बनाया, आज कोई बताया ना बताए। हमारे ज़माने में जब हमारे पिताजी बीड़ी पीते थे, उनके सामने अगर आप पूछोगे बीड़ी बोलते थे, बीड़ी खराब चीज़ है, लेकिन वो तो पीते थे ना। तो उसी तरह से ट्रेडिंग सब लोग करते हैं, आपको बताए कोई ना अलग बात है, लेकिन कैपिटल पहली कैपिटल आपको ट्रेडिंग से ही मिलेगी, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। सर ये क्या ट्रेडिंग गलत चीज़ है? लोग ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि गैम्बलिंग है, जुआ है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हर चीज़ गैम्बलिंग है लाइफ में, हर चीज़ गैम्बलिंग है जो आपको आती नहीं है। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, अगर आपको साइकिल पर बैठा दिया जाए तो आप वहाँ से गिरोगे तो आपको लगेगा कि हाथ पैर आपके टूट जाएंगे, लेकिन पायलट एरोप्लेन चलाता है ना, क्या हम वो चला सकते हैं? हमें सीखना पड़ेगा ना, अगर हम चलाएंगे तो हमारे लिए गेमलिंग है, लेकिन उसका डेली का काम है, एक्सपीरियंस है उसको, उस चीज़ों के बाद में उसे पढ़ाई की है, तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तब आप इसको कर सकते हो। बिना सीखे समझे कोई भी चीज़ करोगे वो गेमलिंग ही है। तो और एक चीज़ और बता दूँ कि ट्रेडिंग में ना जीतने वाला ट्रेडर नहीं होता है, जो रोज जीतता है वो ट्रेडर नहीं है, जिसको ये पता है कि मुझे हारना कहाँ पे है वो ट्रेडर है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है, उस लॉस को आप यहाँ पे लेके निकल जाइए। मैं कहने का मतलब मेरा ये कि अगर लॉस हो रहा, लॉस को लेके निकल जाइए। उसके हम लोग क्या करते हैं ना, लॉस पे लड़ाई करने लगते हैं, ट्रेडर लॉस लेके जाना ही नहीं चाहता है,
बस दिक्कत ये होती है, ईगो ईगो वाली बात आ जाती है। हाँ, ईगो वाली बात यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। डिसिप्लिन के साथ में जो लॉस हो रहा है उस लॉस को लेके निकल जा। देखिए क्या होता है ना, ट्रेडिंग सम गेम है, एक कमा रहा है किसी का जा रहा है, तो अगर आप किसी दिन उसको भी दोगे जो आपको रोज दे रहा है तभी तो वो पैसा लेके आएगा ना। वो पैसा तो तभी लेके आएगा जब उसके पास पैसा एक आध दिन जाएगा। उसको लालच रहनी चाहिए ना कि मैं भी कमा सकता हूँ। अगर वो 100 के 100 दिन लॉस करेगा तो वो 101वें दिन वो नहीं आएगा, लेकिन वो 10 दिन में से एक दिन प्रॉफिट करेगा ना तो और आपके लिए एक्स्ट्रा पैसा लेके आएगा। तो यहाँ स्टॉक्स मार्केट में जो नॉलेज लेके सुबह आता है वो पैसे लेके जाता है, जो पैसे लेके आता है वो सुबह शाम को नॉलेज लेके जाता है। तो अब आपको डिसाइड करना आपको क्या लेके जाना है। क्या लाइन बोला आपने, अमेजिंग। तो एक मोटा मोटी कितना वक्त लग सकता है ट्रेडर बनने में प्रॉफिटेबल? देखिए अगर आप सही चीज सही प्रोसेस के साथ में कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1.5 साल से 2 साल का समय बहुत है आजकल, क्योंकि इतना मटेरियल आपके पास उपलब्ध है कि 1.5 से 2 साल तक का टाइम बहुत है। लेकिन उस उन 1.5 से 2 साल में आपको अपनी वीकनेस, आपका स्ट्रांग पॉइंट, आपका कैरेक्टर, जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसका कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। आप सीखोगे तब होगे, नहीं तो बहुत सारे लोग तो 20-20 साल से मार्केट में है लेकिन फिर वही ढक के 3 पार या 9 दिन चले 250 जाना, फिर वो लॉस में ही है। तो उससे नहीं, जब तक आप अपनी गलतियों को सुधारना स्टार्ट नहीं करोगे कुछ नहीं बन पाओगे। तो आपको अपनी गलतियां सुधारनी, आपको अपनी गलतियां देखनी पड़ेंगी पहले। ये कोई बताने नहीं आएगा, हमें किसी को प्रूव नहीं करना है। मैंने शाहरुख खान का एक इंटरव्यू कोई बहुत पहले पढ़ा हुआ था, सिद्धू साहब ने उनका इंटरव्यू लिया था। अच्छा, सिद्धू साहब का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मैं बोलता नहीं था पहले, मैं बहुत चुप चुप रहता था, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं बनते हैं कभी भी, मैं बोलना नहीं जानता था। सिद्धू साहब के मैंने इंटरव्यू देखे थे तो उस समय सिद्धू साहब भी बोलना नहीं जानते थे, अब वो इतना बोलते हैं कि लोग उनको चुप कराना पड़ता है। तो उसी तरीके से आपको सीखना पड़ेगा सब चीज़। जब तक आप चीज़ों को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपके लिए कोई चीज़ नहीं है। इतना आसान नहीं जितना आसान दिखता है। हर देखिए लोग बोलते हैं ना कि 99% यहाँ पे, हर बिजनेस में 99% लोग लॉस में। आप क्रिकेट को ले लो, हमारे यहाँ अरबों खिलाड़ी करोड़ों खिलाड़ी खेलते रहते हैं लेकिन क्या आते हैं, गिन चुन के 20-25 लोग ही आएंगे ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम ले लो, गिन चुन के पूरे इंडिया में 100 लोग मिलेंगे आपको। तो हर जगह सक्सेसफुल लोगों की संख्या 1 से 2% ही मिलेगी आपको, चाहे किसी भी फील्ड में आप लोग ले लो। सिर्फ ये ट्रेडिंग को बदनाम कर दिया कि 99% लोग लॉस में करते हैं, इसलिए कि हम बिना जाने समझे यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी जगह हम जान समझ के चीज़ें जाते हैं। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना एक प्रोसेस है ना, 4 साल 5 साल का। उसी तरह ट्रेडिंग भी एक प्रोसेस है, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको। तो आपको क्या लगता है या फिर आप क्या बताना चाहोगे, ज्यादातर लोग जो लॉस करते हैं किस वजह से करते रहेंगे मोस्टली जो काम? सबसे ज्यादा लोग लॉस इसलिए करते हैं कि लालच बस। दूसरी चीज है, हमें पता नहीं है, हमने बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख के इंस्पायर होकर आगे ट्रेडिंग करने बराबर, मतलब बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट वाला वीडियो देख लिया इंस्पायर हो गए, लेकिन पीछे की चीजों को आप समझो ना, किसी सामने मत देखो। अब विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा तो हम लोग क्रिकेटर बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हमको सीखना पड़ेगा ना, उसी तरह ट्रेडिंग में भी आपको सीखना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। और लोग बोलते हैं, बहुत सारे मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ, मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, फ्री ट्रेनिंग देता हूँ। तो जैसे बहुत सारे लोगों के पेड कोर्सेज भी आते हैं तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो, मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ वहाँ से भी आप सीख सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने ट्रेनिंग किसी से ले ली तो वो सक्सेसफुल ही हो जाएगा। देखिए अगर मैं इतना अच्छा ट्रेनर होता तो मैं सबसे पहले अपने सारे रिलेटिव को, अपने गांव वालों को, आप लोग को सारी चीज़ें सिखा देता, लेकिन ट्रेनर नहीं, आपका माइंडसेट, आपकी स्किल यहाँ पे जरूरी है कि आप क्या सीख रहे हो, कितना आप सीख सकते हो। जैसे वही वाली बात होगी, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बनके क्रिकेटर के भगवान कहे जाते हैं हाँ। तो सबको अपने घर में क्रिकेट सिखा देते हैं, अपने बच्चों को पहले बना लेते हैं, अभी तक उनका इंटरेस्ट करियर में नहीं एंट्री हुई। तो ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा हो वो सिखा बहुत अच्छा सकता है, सीखने वाले की ललक होनी चाहिए। सीखने वाला अगर बहुत अच्छा हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने सर बोला कि फ्री में आप ट्रेनिंग देते हो, तो लोगों को अगर सीखना है, जो भी इंटरेस्टेड है आपसे सीखने में, तो वो कैसे सीख सकते हैं? देखिए इसके दो माध्यम है। पहले तो मैं फ्री यूट्यूब पे वीडियो बना के डालता रहता हूँ, जो कि हमारा चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग या घनश्याम टेक, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके देख सकते हो, वहाँ पे मैं वीडियो डालते रहता हूँ। और कुछ जो हमारे जो जैसे कि एक एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ से, जैसे कि अकाउंट ओपन करते हैं एंजल ब्रोकिंग में, आप स्टॉक्स में, तो उनको भी मैं फ्री में ट्रेनिंग देते रहता हूँ। मतलब जो आपके लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे उनको आप फ्री में ट्रेनिंग में देते रहते हैं। ओके, जो भी इंटरेस्टेड हो चेकआउट कर सकते हैं सर के चैनल को, फिर वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एक और चीज़, आप पहले पेट ट्रेनिंग देते थे, मुझे जहाँ तक पता है इवन लोग कहते भी हैं कि जो पावर ऑफ स्टॉक्स के जो फाउंडर हैं लाइक सुभाषिस जी, वो भी आपके स्टूडेंट रहे हैं, वो भी उनकी भी प्रॉफिट्स करोड़्स में होती हैं, तो क्या ये सच बात है? हाँ, वो 2016-2017 बैच में बेंगलोर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी मुझे। लेकिन देखिए आप यही चीज़ आप वहाँ पे अंतर देख लीजिए, मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग करके पैसा बनाता हूँ, वो ऑप्शन सेल करके पैसा बनाते हैं। तो मेरा मैंने क्या बताया कि मैं बेसिक चीज़ें बता सकता हूँ। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसा तो नहीं कि सुभाषिस आए थे, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में और भी 50 लोग आए हुए थे, वो लगभग मेरे ख्याल से 60 से 70 लोग का बैच था, तो और भी 50 लोग आए हुए थे। लेकिन वो उस बंदे को क्रेडिट जाता है ना, उस बंदे ने वो मेहनत की। मेरा मैंने उस समय ना तो ऑप्शन बाइंग सिखाई थी ना ऑप्शन
सेलिंग सिखाई थी, हमने एक मार्केट, बेसिक मार्केट और इक्विटी में किस तरह से ट्रेड करना है हमने वो बताया था। उन्होंने अपनी रिसर्च की, अपनी मेहनत करके वो ऑप्शन सेलर बने, मैंने अपनी रिसर्च की, मैं ऑप्शन बायर यहाँ पे बन गया। तो हम लोग का दोनों का फील्ड बिल्कुल अलग अलग है, मैं ऑप्शन बायर हूँ, वो ऑप्शन सेलर है। तो सिखाने का मतलब नहीं कि मेरे सीखने से वो बन गए, उन्होंने उससे सीखने से कहीं ज़्यादा उन्होंने मेहनत की अपनी। तो ये सारा क्रेडिट उनको ही जाएगा, ये क्रेडिट किसी को नहीं, क्योंकि अगर मुझे क्रेडिट होता तो शायद सारे 60 के 60 लोग सीख गए होते फिर। क्या बात है, लेकिन सर होती नहीं है, कहीं ना कहीं आपका भी रोल रहा है, अगर आपसे वो सीखने आए तो कुछ बातें जरूर सीखे होंगे, लेकिन सर क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, तो असली गुरु तो ऐसे ही होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ उसने मेहनत किया है। बिल्कुल सर, मेहनत देखिए, मैंने पहले बताया ना कि अगर मैं सिखा सकता, अगर इतना अच्छा मैं सिखाने वाला था तो मेरे कोई रिलेटिव होते नहीं, सब करोड़पति होते। सीखने वाला कितना अच्छा है ये इंपॉर्टेंट होता है। बराबर, आप क्या सीख रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उस पर कैसे फॉलो कर रहे हो, उस चीज़ों को प्रोसेस को किस तरह से आप फॉलो कर रहे हो, वही लर्निंग है यहाँ पर। लेकिन सर जैसे मैं भी थोड़ा मार्केट में एक्टिवली मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ मार्केट के बारे में, पढ़ता रहता हूँ। तो जैसे जो विजय केडिया जी हैं, जो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं अपने देश के, राकेश झुंझुनवाला जी, वो भी कहा करते थे कि ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग में नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। तो आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, मैंने बताया, तो देखिए ट्रेडिंग आपको किस तरीके से करना है, मैंने बताया ना कि ट्रेडिंग, अगर मान लीजिए आपके पास कैपिटल 1 लाख है, उस कैपिटल से अगर आप 80% भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 20% से आपको ट्रेडिंग करना है, लेकिन ट्रेडिंग हमेशा डिसिप्लिन से करना है। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, देखिए ट्रेडिंग सब लोग करते हैं, आज कोई बताए ना बताए, सभी लोगों ने ट्रेडिंग से ही एक कैपिटल खड़ी की। कैपिटल आप कहाँ से लेके आओगे? मेरे पास में 50,000 रुपये से करोड़ तो नहीं बन जाता, शायद खत्म हो जाता जीवन, तब भी नहीं बनता, चाहे स्टॉक कितना भी डबल ट्रिपल होता जाता, हर महीने तो स्टॉक डबल नहीं होते ना, उसको भी आप 3 साल 4 साल का टाइम तो दोगे ना स्टॉक को भी। तो कहीं ना कहीं से कैपिटल एक बनानी पड़ती है, जो छोटी छोटी कैपिटल हम ट्रेड करके धीरे धीरे बनाते रहते हैं, वो ट्रेडिंग कैपिटल को हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जिससे हमारा एक पोर्टफोलियो खड़ा रहता है। हो सकता है 10 साल बाद मैं भी यही कहता हुआ मिलूं कि ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शायद मैं उस समय ट्रेडिंग ना करता रहूं, मैं भी फ्री माइंड के साथ में इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं जिससे मुझे डिविडेंड से या उस स्टॉकों से ही मेरा सारा काम चल जाए। सही बात। तो सर जैसे अभी आज के टाइम पे आप करोड़ में प्रॉफिट करते हो, लेकिन शुरू आपका धीरे धीरे ही हुआ रहेगा, जैसे आपने बताया कि 50,000 से आपने शुरू किया, 30,000 से शुरू किया, तो इतना बड़ा अमाउंट के लिए अपना माइंडसेट डेवलप करना या फिर साइकोलॉजी को बिल्ड करना, क्योंकि अचानक से अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट एक दिन में किसी को दिख जाए, आम आदमी को, तो मतलब हार्ट अटैक भी आ जाएगा। तो आपने कैसे अपने आप को मेंटेन किया हुआ है इस चीज़ को? देखिए उसके लिए ना वो प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बताया ना कि हम एक छोटा छोटा टारगेट बनाते हैं, ये जरूरी नहीं है, लोग बोलते हैं ना कि बड़ा तो सोचो, बड़ा तो सोचो, बड़ा सोचने से नहीं होगा, आप छोटा सोचो और उसको करके दिखाओ। तो मैंने जीवन में एक छोटे छोटे टारगेट बनाते रहा, उसी छोटे छोटे टारगेट को मैं अचीव करते गया। मैंने 50 क्वांटिटी स्टार्ट की, फिर 100 की, फिर 150, फिर 200, आज यहाँ पे ऐसा दौर है कि मैं 1.5 लाख भी क्वांटिटी बैंक निफ्टी की कर लेता हूँ, ऑप्शन की 1.5 लाख कर लूँगा। 1.5 लाख के लिए कितना कैपिटल लगता होगा? लगभग वो प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रीमियम उस दिन 100 रुपये चल रहा है या 400 रुपये चल रहा है, तो हो सकता है वो 1 करोड़ भी लगे, हो सकता है 2.5 करोड़ भी लग जाए। ओके, वो प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता होते हैं। तो अभी तो ये प्रॉफिट्स की हम बात कर रहे थे, आप बताना चाहेंगे कि आपका हाईएस्ट लॉस एक दिन में कितना हुआ था? तो जो लॉस है वो 1.64 का लॉस है मेरा, वो एक दिन में, एक दिन का। तो सर उस वक्त आपकी फीलिंग कैसी थी? नहीं नहीं देखो, ये चीज़ें आपको मैटर नहीं करती, जब आप एक कंटिन्यू प्रॉफिट में चलते रहते हो ना, तो ये चीज़ें तो मिलेंगी। मैंने आपको पहले बताया ना कि स्टॉक्स मार्केट में वो ट्रेडर नहीं बनता है जो जीतने का तरीका जानता है, स्टॉक्स मार्केट में ट्रेडर वो बनता है जो हार मान ले, यानी हारना जानता है कि कहाँ पे मुझे हारना है। तो मुझे मालूम था कि यहाँ पे मुझे हार, यहाँ पे 1.6 मुझे दे देना है और मार्केट से आज बाहर हो जाना, बस ये चीज़ें चलती हैं, आगे फिर प्रॉफिट हो। तो आप बताना चाहोगे कि वो जो लॉस हुआ था किस वजह से हुआ रहेगा, आपको कुछ आइडिया? नहीं नहीं, वो तो लॉस उतना तो वो लेके चलना पड़ता है हमें ना, अगर हम बड़ा प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं तो लॉस के पीछे का स्टॉप लॉसेस भी वही चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, ये चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए एक्सपायरी के दिन में रहेगा तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा तो लॉसेज भी थोड़े बड़े ही होते हैं, लेकिन हाँ ये हमें कंट्रोल करके रखना पड़ता है कि लॉसेज ज़्यादा बढ़े, यानी मेरे प्रॉफिट से बड़े कभी ना हो, यानी मेरे जो अभी जो मैंने 2.65 पर दिखाया, इससे कहीं बड़े बड़े मेरे प्रॉफिट हैं। हाँ, तो ये लेकिन लॉसेस मुझे पता है। हाँ, तो ये लॉसेस भी चलते रहेंगे उसमें, ये आते रहेंगे, अब ऐसा नहीं कि लॉस होगा ही नहीं, तब तक फिर इसका मतलब ये होगा कि शायद मैं पानी में कूद ही नहीं रहा हूँ इस डर से कि मैं डूब जाऊँगा, ये तो होगा ही होगा। अगर मैं पूरे महीने ट्रेड कर रहा हूँ तो 3 दिन 4 दिन मुझे ये देने ही देने हैं, ये मैं हंस के दूँ, रो के दूँ या खुशी खुशी दे दूँ, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं खुशी खुशी दे दूँगा। जिस दिन मैं रो के दूँगा ना, उस दिन मैं 1 CR नहीं बल्कि यहाँ पे 5 CR 6 CR दे के जाऊँगा फिर मैं। तो जीत नहीं करनी है, हार मान लिया कि आज मेरा सेटअप नहीं चला, क्या बात है, मैंने बाहर निकल गया। तो सर अभी तो ये हो गया, अरे सारे सुना था सब। तो सर ये तो हो गया कि लाइक आपकी जर्नी के बारे में, प्लस आपने कितना प्रॉफिट बनाया और भी बाकी चीज़ हमने बात कर ली।
लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कि सर आपका जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है, आप कैसे ट्रेड करते हो? आप बताना चाहोगे कि आपका जो दिनचर्या होती है ट्रेड वाले दिन क्या रहती है, कैसे? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मुझे अपना वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट पता है। मेरा स्ट्रांग पॉइंट मैं ये बता दूँ, मेरा स्ट्रांग पॉइंट ये है कि मैं सुबह के एक डेढ़ घंटे का ट्रेडर हूँ। यानी मेरे जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होते हैं, मान लीजिए अगर मैंने दिन का 1,00,000 रुपये मुझे बनाना है तो उसमें से 70-80,000 रुपये मुझे सुबह के 1-1.5 घंटे में बन जाते हैं। उसके बाद उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मैं ट्रेड करते रहता हूँ। अगर उसमें से एक लॉस हुआ तो मैं उस दिन की ट्रेडिंग क्लोज कर देता हूँ। तो इसी तरह से मैं ट्रेड करता हूँ और मैं प्रॉफिट पर रिस्क लेना पसंद करता हूँ। मैं कैपिटल पर रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आज के पैसे को, जो आपने आज प्रॉफिट बनाया, इसको कल पूरे लॉस में कन्वर्ट मत करना। अगर आपने आज 1,000 रुपये बनाया है तो कल कोशिश करना, अगर लॉस हो रहा है तो सिर्फ वो लॉस 600 या 700 का हो। इससे आपका क्या होगा, माइंडसेट पॉजिटिव डेवलप रहेगा। लेकिन अगर आपने आज 1,000 रुपये कमाए हैं, कल आप 10,000 रुपये का लॉस कर दोगे तो अगले दिन आपके प्रॉफिट नहीं बनने वाले हैं। आपको जो 1,000 का प्रॉफिट आज अच्छा लगा था ना, 10,000 लॉस करने के बाद आपको 5,000 का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा। माइंडसेट में आपको वो 10,000 का लॉस घूम रहा है। तो जब तक वो 11,000 का प्रॉफिट नहीं होगा ना, आप प्रॉफिट लेके निकलोगे नहीं, आप लॉस में ही क्लोज करने वाले हो। तो आप बताना चाहोगे आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? आप स्ट्रेटजी ऐसे तो मुंह से कैसे बता दूं, बहुत सारी चीज स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है, वहां से लोग देख सकते हैं। जैसे एक दिन पहले आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, मार्केट के बारे में स्टडी करते हो? देखिए, हम कैसे रहते हैं, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो बहुत सारी चीजें लास्ट डे पे डिपेंड करती है। बहुत सारी चीजें ना मार्केट ओपन होने के बाद हमें डिसाइड लेना पड़ता है। मार्केट ओपन होगा उसके 10 मिनट बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें सेल करना चाहिए, बाई करना चाहिए, हमें कॉल बाइंग करूँ या पुट बाइंग करूँ, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। इन्वेस्टर नहीं हूँ कि मैं डिसाइड करके रखा हूँ, मुझे क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। हो सकता है मैं 5 मिनट पहले मैंने बाइंग करके पैसा बनाया हो सकता है अगले 5 मिनट में मैंने सेल करके पैसा बना लिया। मतलब मैंने 5 मिनट पहले मैं कॉल बाइंग करके पैसा बनाया हूँ, 5 मिनट बाद मैं पुट बाइंग करके पैसा बना लूँ। तो ये नहीं, मेरा व्यू 5-10 मिनट के अंदर में मैं चेंज हो जाता हूँ, मैं न्यूट्रल होता हूँ। मैं मार्केट पे ये नहीं सोच के आता हूँ कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं अपने लेवल पे फोकस करता हूँ कि अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मेरा व्यू बाइंग साइड का रहेगा, इस लेवल के नीचे जाएगा तो मेरा व्यू सेल साइड का। ओके, मतलब कुल मिला के थोड़ी टेक्निकल चीजें जिसको हमें सीखना पड़ेगा। आपको ट्रेडर है तो आप न्यूट्रल रहो। ओके, ट्रेडर गलती क्या करता है ना, वो ऑब्जर्व करके बैठता नहीं, कल मार्केट ऊपर ही जाएगा। मार्केट ऊपर नीचे दोनों करेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर जाएगा सिर्फ ऊपर ही जाएगा, वो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 50 पॉइंट नीचे भी आएगा। अब आपको कौन सा अच्छी जगह पे लेना आता है, आपको बाइंग साइड वाला लेना आ रहा है या पुट साइड वाला, आपके सेटअप में बैठ कौन सा रहा है, उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। बराबर। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपने टर्म्स अभी बोले, जैसे मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, तो आई होप जो नए लोग होंगे उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे जहाँ तक अंदाजा है। तो इसके लिए जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसके लिए प्रॉपर तरीके से पहले तो ये सारे टर्म्स को सीखने पड़ेंगे, जो भी चीज़ें किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। तो आप बताना चाहोगे कि सीखने के लिए लोग कहाँ पे जाएं? देखिए, सीखने के लिए आप बेसिक आजकल देखिए बेसिक के लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसको आपको लगता है, बिलीव होता है कि हाँ ये बंदा ठीक ठाक बता रहा है, आप बेसिक वहाँ से सीख लो। बहुत सारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं, आप वहाँ भी जाके ले लो। लेकिन कोई भी कोर्सेज, या बेसिक लो या फिर किसी से पेड ट्रेनिंग लो, तो आप 1-2 महीने में एक्सपेक्ट मत करो कि मैं ट्रेडर बन जाऊँगा। आपको मेहनत करनी पड़ती है। लोग क्या होता ना, लोग ट्रेडिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए क्यों जाते हैं पता है, ट्रेनिंग में जाते हैं कि मुझे कुछ वहाँ से जैकपॉट मिल जाएगा, वहां से मुझे कुछ लॉटरी लग जाएगी कि वो सेटअप बनाऊंगा, मैं पैसा कमाता रहूंगा। हर सेटअप के पीछे ना एक माइंडसेट होता है। जब तक आप उस माइंडसेट को फॉलो नहीं करोगे, वो सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा। सेटअप आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उस माइंडसेट के लिए डेवलप हो जाओ, प्रैक्टिस करो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। ब्रूसली बोलते थे कि मैं उस जो भी मतलब फाइट करते थे उससे नहीं डरता हूँ जिसको 100 एक्शन आते हैं, मैं उससे डरता हूँ जिसको एक ही एक्शन में जिसने 100 बार प्रैक्टिस की है। तो आप ट्रेडिंग करना है तो आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, करती रहनी पड़ेगी। 100 बार 200 बार 300 बार आप ट्रेड ले लेके प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। राइट। जैसे सर आपने बोला कि ट्रेडिंग के कोर्सेज भी आप कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, बट मैंने देखा या फिर ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट्स दिखा देते हैं कि 50,000 का 1,00,000 का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, और फिर बोलते हैं कि यहाँ पे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, फिर कोर्सेज के लिए या फिर वेबिनार के लिए बुलाते हैं, और उनका जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है ना वो कोर्सेज ही है या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो इस वजह से लोगों को लगता है ना कि ट्रेडिंग से इतना पैसा नहीं बनता है, ये लोग सिर्फ कोर्सेज से पैसे बनाते हैं। जो भी अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, दुबई दिखा दिए, गाड़ी दिखा दिया, BMW फरारी चमका दिया, तो लोगों को ये डाउट है कि क्या पेड ट्रेनिंग्स या फिर पेड प्रोग्राम सच में वर्क करते हैं। अगर वर्क करता, अगर ये इंसान बता रहा है जो कि पैसे कमाए जा सकते हैं, तो खुद बंदा कोर्सेज बेच के पैसे क्यों कमा रहा है? तो लोगों का ऐसा माइंडसेट है, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा होता है? देखिए होगा, देखिए मैंने क्या बताया कि मैंने बताया ना कि अगर हम 100 लोग को ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हैं ना, तो उसमें से 2 या 1-2 लोग ही होते हैं जो सीरियस होते हैं।
99% लोग जो आते हैं वो सिर्फ किसी सेटअप के लिए आते हैं, किसी स्ट्रेटजी के लिए आते हैं, पीछे का बहुत सारा लॉस उन्होंने कर दिया है तो वो माइंड में उनके चलता रहता है जिससे वो सीखते नहीं है। तो सीखने वाले लोगों की संख्या कम है। आप जाते जिस भीड़ में आप जा रहे हैं, सीखने वाली भीड़ में 100 लोग दिख रहे हैं तो ये समझिएगा वहाँ पे सिर्फ एक बंदा सीखने के लिए आया हुआ है। अब वो बंदा कौन होता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ज़्यादातर चलन यही पे है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें, ये भी आप सही बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग का रेवेन्यू सोर्स जो है वो कोर्सेस ही रहते हैं, तो ये तो भाई आपको चेकआउट करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन बंदा रियल है, ये आपको डिसाइड करके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये तो आपको कोई बता ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आप करोड़ प्रॉफिट दिखा रहे हैं, आपने अगर स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया, आपने बोल दिया कि मेरा जो है एक प्रोग्राम है 25,000 रुपये का, तो मैं तो बोलता हूँ पहले ही दिन आप पहले दिन क्या पहले घंटे में आपका पूरा बैच फुल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे मुझे मैसेज अभी भी आते हैं कि सर 50,000 या 1,00,000, मुझे दरअसल ऑफर आते हैं दूसरे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो प्रोग्रामर होते हैं उनसे ऑफर आते हैं मुझे कि मैं आपको साल का 2.5 करोड़ या 3 करोड़ पे कर दूंगा, पूरे मंथ पूरे ईयर में सिर्फ आपको 6 बार आना है, एक एक मतलब दिन का ट्रेनिंग आपका रहेगा, मैं आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपये में पे कर देता हूँ। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर आप पे करते तो मैं पहले पेड कोर्सेज में खुद ही 4 साल पहले रन करता था तो मैं खुद ही ना रन कर लूँ। लेकिन दरअसल क्या है ना, मुझे वो गिल्टी फील होने लगता है कि लोग सीखने नहीं आते ना, अगर सीखने आए तो मुझे सिखाने में कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, आप सीखो ना, सीखो ना। वही चीज़ पैसे, अगर मैं पैसे लेके सिखा रहा हूँ, आप वहाँ पे 1,00,000 मुझे देने के लिए तैयार हो, मैं फ्री में बता रहा हूँ तो वहाँ सीखो ना। फ्री चीज़ों की लोग वैल्यू नहीं करेंगे, अब नहीं वैल्यू करेंगे तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरा लोग सर ये भी बोलते हैं, मैं टोक रहा हूँ आपको, सॉरी, लोग ये भी बोलते हैं कि अगर घनश्याम सर इतना पैसा बना रहे हैं ट्रेडिंग से तो बोलते हैं कि आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करो, डीमेट अकाउंट करो, कि मुझे लाइक लोगों का ये मानना है कि आप ब्रोकरेज कमाने के लिए आप उनको बोलते हो कि अकाउंट ओपन करो, मैं फ्री में ट्रेनिंग दूंगा, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं लीगल तरीके से पैसे कमाता हूँ, वहाँ से भी ठीक है, मैंने मान लीजिए 50,000 कमाया, 1,00,000 कमाया, मैंने लीगल वे में कमाया ना, मैं आपको फ्री में चीज़ें दे रहा हूँ। वो अगर आप उस ब्रोकर जिस ब्रोकिंग फंड का मैंने नाम ले रहा हूँ वहाँ पे अगर आप जाते हो तो भी आपको वो 20 रुपये ही चार्ज करेंगे, मेरे थ्रू जाओगे तो भी आपको 20 रुपये ही वो चार्ज करने वाले हैं। अब ये फोर्स नहीं कि आपको मुझे खोलना ही खोलना, आपको अच्छा लगे तो आप ओपन करो, नहीं तो आपकी मर्जी है। सही बात, ये फोर्सफुल नहीं है कि आपको मेरी वीडियो देख रहे हो तो ओपन ही करना, भाई मेरी वीडियो तो फ्री में ही है ना, आप ओपन करोगे तभी देखोगे, नहीं ओपन है तभी भी आप देखोगे। मैं देख रहा हूँ सर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जो काफ़ी यंग जनता है वो भी ट्रेडिंग के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, तो क्या स्टूडेंट्स को ट्रेडिंग में घुसना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ है, अगर आप लिमिटेड हो, रिस्क मैनेजमेंट आपके पास में है, मनी मैनेजमेंट आप करके आ रहे हो तो आपको आना चाहिए, नहीं तो पहले आप अपनी जो कोर्सेज है, आपकी जो पढ़ाई है उसको आप कंप्लीट करो, उसके बाद फिर यहाँ पे आओ। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत सारे लोग, मैं एक देना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग लोन लेके बहुत सारी चीज़ें मतलब इधर उधर से पैसे लेके ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। मैं बार बार लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी सेविंग का सिर्फ 10% लगाओ, पूरी सेविंग जो है उसका 10% लगाओ, नहीं तो आपकी भी हालत मेरे जैसी होने वाली है, जैसा मैंने लास्ट एक दौर मेरे लिए भी वो गुजरा था, वो दौर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो दौर प्रेशर में ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप टेंशन में हैं, आपके पीछे फोर्स आ रहा है कि ये पैसा आपको देना है, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, आपको जल्दी कमाने की इच्छा होगी, और जल्दी कमाने वाली चीज़ें ही यहाँ पर लॉस करती हैं। मैंने 8-10 साल का वो टाइम दिया, मैं अभी आप 4 साल पहले 5 साल पहले की मेरी वीडियो देखो, मैं दिन का 5,000, 10,000 या 12,000 में बहुत खुश रहता था, तो 4-5 साल पहले की बात है ना, 5-10 हज़ार पे भी खुश थे। तो वो प्रोसेस आपको धीरे धीरे आएगा, यहाँ पे बहुत जल्दी से पैसा नहीं बनेगा। लेकिन जैसे आपने बोला कि सिर्फ अपने सेविंग का 10% ही हिस्सा लगाओ, बिल्कुल, लेकिन लोग तो आपसे इंस्पायर होकर बोलेंगे कि आपने तो गहने भी बेच दिए थे, तो आप वही बता रहा ना कि वो परिस्थितियां, हर शायद मैं उस परिस्थिति से निकल आया, सब लोग ना निकल पाए ना, सही बात, सही हो सकता है ना, मैंने बहुत डिसिप्लिन बहुत सारी चीजें वहां पे वर्क की जिससे मैं उस परिस्थिति से निकल पाया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग उस परिस्थिति को संभाल ही ना पाए, तो ये बहुत डेंजर चीज है, एक तरह से बहुत डेंजर चीज है। तो हमेशा अपनी सेविंग का 10% ही लगा के रिस्क लो, आपको जितना सीखना पहले वहां पे सीख लो आप, उसके बाद आप पैसे लगाओ, वो भी कभी भी फुल सीखने के बाद में भी 20-25% से ज्यादा पैसा कभी ट्रेडिंग में लगाना ही मत यहां पे। क्या कितना भी पैसा आपके पास, आप कितने भी अच्छे, मैं कितना भी अच्छा ट्रेडर हूं, मैं पूरी कैपिटल लगा के ट्रेड नहीं करता हूं ना यहां पे, उस कैपिटल का भी शायद 2-3% में लगा के ट्रेड करता हूं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रेडिंग, अब मेरे लिए शायद ट्रेडिंग उस जगह पे मैं पहुंच चुका हूं जहां पे बहुत ज्यादा मेरे लिए अब पैसे लगाने की गुंजाइश नहीं है कि मैं इससे ज्यादा लगा के यहां से कमा लूंगा, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं, ऑप्शन ट्रेडर में एक लिमिटेड क्वांटिटी ट्रेड होती है, स्टॉक नहीं है कि चलो मैंने आज यहां पे 10 लाख खरीद लिया कल 12 लाख, यहां पे हर गुरुवार को एक्सपायरी हो जाती है, आज ऑप्शन का भाव 100 रुपये है, अगर कुछ नहीं किया मार्केट ने कुछ नहीं किया तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, यानी अगर हमने वहां पे 1,00,000 रुपये लगाए हैं, मार्केट ने कुछ नहीं किया है और मैं गुरुवार तक रुका रहा तो वो पैसा 0 हो जाएगा मेरा यहां पे, तो मेरे पास रिस्क बड़ा है, रिवार्ड अगर बड़ा मिलता है तो मैं रिस्क भी बढ़ा लेता हूँ यहाँ। चलिए सर, काफ़ी सारी बातें हमने कर ली, मैं चाहूँगा कि जो लोग भी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए 3 क्या मुख्य एडवाइस देना चाहेंगे आप? मेरी तरफ से यही एडवाइस है, सबसे पहली चीज़ तो जब तक आपको किसी भी फील्ड के बारे में नॉलेज ना हो उस फील्ड में आप एंट्री मत करो। अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो पहले इस पर नॉलेज गेन करो, आप
पहले आप कहीं से भी जहाँ से आपको फ्री मिलता है, जरूरी नहीं आपको कोई कोर्सेस ही लेने हैं, फ्री नॉलेज पहले गेन करो, छोटा सा कैपिटल यहाँ पे लगाओ, 5,000 रुपये लगा के, अगर 5,000 रुपये से आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे, जब आप 50,000 लगाते हो ना तो आप चीज़ों को सीखते नहीं हो, फिर आप कमाने के लिए आए हो, तो जब अगर आप पहले ही कमाने के लिए आओगे ना तो सीख नहीं पाओगे। तो दूसरी एडवाइस ये है कि यहाँ पे सीखने के लिए आओ, सीखना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप कंप्लीट करो, साल डेढ़ साल यहाँ पे टाइम लगेगा, अपने आप कमजोरियों को देखो, अपने स्ट्रांग पॉइंट को फील करो, मार्केट को फील करो, चार्ट देखना फील करो, जब ये सब सारी चीज़ें आएंगी तो धीरे धीरे आप ट्रेडर बन ही जाओगे। देखिए जब आप एक प्रोसेस है, आप अपनी गलतियों पे सुधार करने लगते हो तो आप ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन आप अपनी गलतियों को ही नहीं देखते हो तो कभी भी ट्रेडर यहाँ पे नहीं बन पाओगे। क्या बात है सर। सबसे पहले तो मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, साथ ही साथ आपकी जो जर्नी है बड़ी इंस्पायरिंग है सर। नमस्कार उसके लिए, और सर सलूट है कि आप सर इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने कंट्री में कि मज़ा ही आ गया सर आपसे मिलके, और साक्षात आपसे मिलने का सर जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं आप शुक्रगुजार हूँ, और आपने इतना समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जो आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया है। एक तो सर आप अपने ही जिला जवार के आदमी हैं तो एक अलग बॉन्डिंग है आपसे। करी जब एक जगह एक रह जाए तो होते रहे। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं चाहूंगा सर कि अभी तो वीडियो हम यहीं पे मतलब खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही बात करते रहे, बट मैं चाहूंगा कि जाते जाते मेरी ऑडियंस को अगर आप कुछ अपने तरफ से कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ एडवाइस देना चाहें। एडवाइस यही है, मैसेज यही है कि इनके चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब करो, इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे, आप लोग को बहुत सारी इंस्पायरिंग वीडियो देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको लाइक और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरी तरफ से भी एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।